ठीक है मैम, मैं फाइल भिजवाती हूँ। मैम मुझे लेने आ गए हैं तो मैं घर जा रही हूँ। बेटा आपके पापा से बोल देना कि कल से जल्दी लेने आ जाएं। देखो पूरा स्कूल खाली हो गया है और अब तो टीचर्स के भी जाने का टाइम हो गया है। ठीक है मैम, मैं घर जाके पापा को बोल दूंगी। अभी तो कोई और लेने आए हैं। कोई और लेने आए हैं? पर कौन? मैम मैं उनको तो नहीं जानती, शायद पापा ने भेजा है। बेटा तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। मैं अभी बाहर जाकर देख कर आती हूँ कौन लेने आया है, ठीक है? आज तो मौका मिल ही गया इसको स्कूल से घर ले जाने का, अब फंसाऊंगा इसको मेरी बातों में। जी अच्छा आप आए हैं वैष्णवी को लेने? हाँ आज उनके पापा बिजी थे इसीलिए उन्होंने मुझे लेने भेज दिया। पर किसी और के साथ तो हम बच्ची को नहीं जाने दे सकते। मैडम अगर आपको मुझ पे शक हो ना तो उनके पापा से कंफर्म कर लो, उन्होंने मुझे भेजा है। ठीक है आप इंतजार करिए, मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वही वैष्णवी के पापा से बात करेंगे। हाँ हाँ कर लो बात। नहीं रुको अभी। यस मिस नेहा। सर आज वैष्णवी के फादर लेने नहीं आए हैं, कोई और आया है, तो क्या मैं उसे भेज दूँ? नहीं आप प्लीज उनके साथ में मत भेजिए, बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मिस नेहा हम किसी भी बच्चे को उनके फादर या फिर मदर के साथ ही भेज सकते हैं। ठीक है सर, बट जो अभी वैष्णवी को लेने आए हैं उन्हें क्या कहूँ मैं? आप उन्हें क्लियर बोल दीजिए कि हम बच्ची को ऐसे नहीं भेज सकते, उनके फादर जब लेने आएंगे तभी वो जा सकती है। बाकी मैं वैष्णवी के पापा को अभी फोन लगा के बता देता हूँ। ठीक है सर। सॉरी हम बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेज सकते, सर ने मना कर दिया है। अरे तो मैडम पूछ लो ना उसके पापा से, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो अपनी मर्जी से उसको लेने आ जाऊंगा। हो सकता है तुम्हें उन्होंने भेजा हो, बट मैं तुम्हारे साथ बच्ची को नहीं भेज सकती, बस खत्म। बहुत पागल है इस स्कूल वाले, जब बच्ची को भेजना ही नहीं था तो इतनी देर बैठ क्यों कराया मुझसे? मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, पूरा प्लान ही चौपट करा दिया। मुझे जल्दी घर जाना था। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, बट प्रिंसिपल सर ने मना किया है, मैं आपको किसी और के साथ नहीं भेज सकती। बेटा आपके फादर जब भी आएंगे तभी मैं आपको भेज सकती हूँ, बाकी आप चिंता मत करो, प्रिंसिपल सर ने आपके फादर को फोन लगा दिया है, वो जल्दी से आते ही होंगे आपको लेने। स्कूल से फोन? हेलो हेलो सर, आपने आपकी बेटी को लेने के लिए किसी और को भेजा है क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैंने मेरे फ्रेंड को भेज दिया है, तो आप उसके साथ भेज दीजिए। देखिए सर वो पहचान वाले आपके लिए होंगे, लेकिन हम किसी और के साथ में नहीं भेज सकते आपके अलावा। वो मेरी बच्ची है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भेज दो तो भेज दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी भी बच्चे को अननोन पर्सन के हाथ में नहीं भेज सकते, आप प्लीज आ जाइए और लेके चले जाइए। मैं बिजी था इसलिए मैंने उसको भेजा है। सर आप बिजी हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम किसी और के साथ में नहीं भेज सकते, आप जानते हैं आजकल का माहौल कैसा है। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है सर। ये स्कूल वाले भी ना किसी की परेशानी को नहीं समझते। आजकल के पेरेंट्स भी कितने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को स्कूल तक लेने नहीं आ सकते, अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर स्कूल पर ब्लेम करते हैं। सर ये क्या बात हुई, मुझे आपने यहाँ बुला लिया, आपको पता भी है कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ? ये तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या हरकत करी, आपकी बेटी से ज्यादा क्या आपका काम इम्पोर्टेंट है? क्या आपकी बेटी के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपनी बेटी को किसी और के साथ में लेने के लिए भेज दिया। सर वो अजनबी नहीं था, वो मेरा फैमिली फ्रेंड था। बेशक मैं मान सकता हूँ कि वो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड था, लेकिन वो पिता या फिर भाई तो नहीं था ना? सर क्यों अपनी बच्ची को असुरक्षित कर देते हो किसी गैर लोगों के हाथों में देकर? देखो फूल सी बेटी है आपकी, पर क्या करें आजकल के पेरेंट्स को समझते ही नहीं है। सर आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे उस पर यकीन था इसलिए मैंने उसको भेजा है लेने। यकीन की बात कर रहे हैं आप? क्या आप न्यूज नहीं पढ़ते, पेपर नहीं देखते? अरे छोटी सी बच्ची है वो, उसके बारे में सोचो। तुम्हें पता है आज तक की हिस्ट्री के हिसाब से बच्चों के साथ में जो भी हादसे होते हैं ना वो 90% हमारे जानने वाले ही होते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स है ना वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, इसी वजह से ये गलत काम हो रहे हैं। सर मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे जानने वालों के भेष में दरिंदे घूम रहे हैं रोड पर। और सर वैसे भी मैं एक शिक्षक हूँ और इस स्कूल का प्रिंसिपल, मेरा फर्ज है सही राह दिखाना, बाकी आपकी मर्जी, चलता हूँ। पापा सर सही तो बोल रहे थे, आप किसी और पे कैसे विश्वास कर सकते हो? बेटा सर सही नहीं,
बहुत सही बोल रहे थे और उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। इसमें मेरी ही गलती थी। अब आइंदा से मैं मेरी बेटी को खुद ही लेने आऊंगा। चलो बेटा अब घर चलते हैं। दोस्तों बेटी घर का ताज होती है, इसलिए उसे दूसरे के हाथ में देकर उसे असुरक्षित ना करें, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि किसके मन में क्या नियत है। दोस्तों काम से बढ़कर हमारी बेटी की इज्जत है। वीडियो अच्छा लगा हो ना दोस्तों तो शेयर जरूर करना।